मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा, आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चरण में आपका स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, दिन, नक्षत्र, तिथि, योग और करण, इन 5 अंगों से बनता है पंचांग। और ऐसा रोज का पंचांग किसी ज्योतिष के माध्यम से अगर आप सुनते हैं तो नाना सिद्धि आपको प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि तिथि हमें वैभव देती है, वार हमारी आयु बढ़ाता है, नक्षत्र हमारे सभी पापों को नष्ट करता है, योग हमें जुदाई से बचाता है और करण हमारे सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। लेकिन हम इसके लिए पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक होने चाहिए। हमारे परिवार के सदस्य भी वैसे ही होने चाहिए। हमारी वास्तु जो है वास्तु शास्त्र के हिसाब से होनी चाहिए। हमारा देवघर और अंदर बैठे हुए भगवान भी सब धर्म शास्त्र के अनुसार होने चाहिए, तब जाकर के हम इसके लायक बन जाते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब आपको पंचांग कल का सुनाने जा रहा हूँ। इसका उपयोग आप किसी भी धार्मिक कर्मकांड में आराम से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का सोमवार, तारीख 29 मई 2023, शालिवान शक 1945, संवत्सर शोभन, आयन उत्तर, ऋतु ग्रीष्म, पक्ष शुक्ल, मास ज्येष्ठ, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों नवमी तिथि है। सुबह 11:50 के बाद दशमी तिथि आरंभ होगी। नक्षत्र दोस्तों उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। सुबह 4:29 के बाद हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। योग दोस्तों वज्र योग है। रात 9 बजे के बाद सिद्धि योग का आरंभ होगा दोस्तों। करण दोस्तों कौलव करण है। सुबह 11:50 के बाद तैतिल करण शुरू होगा और रात 12:34 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 बजे कुछ इस प्रकार होगी। सूरज वृषभ राशि में होगा, चांद सिंह राशि में, बृहस्पति मेष राशि में और शनि देव कुंभ राशि में अपने ही होंगे। वो बम्बई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन, आगमन जो है दोस्तों 6:02 पर सुबह है और निगमन जो है रात को 7:10 पर है। आज की पूजा का संकल्प पर दोस्तों हम इसी पंचांग के आधार से छोड़ेंगे। इसके लिए आपको अपने दाहिने हाथ की दाहिने हाथ की हथेली पर आपको थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा जल और एक फूल या फूल की पंखुड़ियां लेनी है और ये छोटा सा जो संकल्प है बोलना शुरू कर देना है दोस्तों। हर ओम शिव शिव शंभो रात्नया, प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय पराधे, श्वेत वराह कल्पे, वैवस्वत मन्वंतरे, कलियुगे प्रथम पादे, जम्बुद्वीपे, भरतवर्षे, भरतखंडे, मेरो दक्षिण दिग्भागे, महाराष्ट्र देशे, व्यापारिक चंद्रमणि, शालिवान शके 1945, प्रभावित षष्ठी सवत्सरणों में, शोभन नाम सवत्सरी उत्तरायणे, ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ मासे, शुक्ल पक्षे, सोमवार वासरे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रे, वज्र योगे, कौलव करणे, नवमी शुभ तिथु, मनु गोत्र में उत्पन्न मई कड़ाप्पा, मोम पात दुरुतक्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा करिष्य। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अभी आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इसे संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 11:50 तक है। अगर आपको इसी काल के बाद में भी कोई संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर वाले पंचांग का सहारा ले दोस्तों, तब जाकर आपका संकल्प पूरा होगा। दोस्तों, हम अभी कुछ धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त देखते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों सगाई तथा मंगनी के लिए मुहूर्त दिए हैं। मई तारीख 29, 30 जून तारीख 1, 7, 8, 11, 12, 13, 14। गोदभराई के लिए मुहूर्त दिए गए हैं मई तारीख 30 जून तारीख 8। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिए गए हैं मई तारीख 29 जून तारीख 1, 8, 10, 12, 14।
मुंडन या चूड़ाकर्म के लिए मुहूर्त दिए गए हैं जून तारीख 1 8 14। गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त दिए गए हैं जून तारीख 1 8 10 12 14। जने वो संस्कार के लिए कुछ मुहूर्त दिए गए हैं मई तारीख 30 जून तारीख 6 और 8। शादी करने के लिए दोस्तों मुहूर्त दिए गए हैं मई तारीख 29 30, जून तारीख 1 3 7 8 11 12 13 14। वास्तु शांति के लिए मुहूर्त दिए गए दोस्तों मई तारीख 29, जून तारीख 1 8 10 12 और 14। भूमि पूजन तथा पायाभरण के लिए मुहूर्त दिए गए हैं जून तारीख 14 और 15। देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो कोई भी स्त्री या पुरुष देवता की आप कर सकते हैं। इसके लिए मुहूर्त दिए गए हैं मई तारीख 29, जून तारीख 1 8 12 और 14। दोस्तों यहीं पर ये संकल्प खत्म हो। दोस्तों इस मुहूर्त में, ऊपर वाले मुहूर्त में कुछ समय की पाबंदी हो सकती है, इसे जानकर ही आप अपने लिए मुहूर्त चयन करें किसी पंचांगधारी से या ज्योतिष से या किसी पंडित के माध्यम से। दोस्तों दोस्तों इन मुहूर्तों के अलावा अपने तरीके से या अपने अज्ञान की वजह से या अपने सुख के खातिर या कोई एडजस्टमेंट के खातिर या अपने धर्मद्वेष के खातिर खुद हो के किसी पंडित के सारे मुहूर्त ना निकाले, किसी पंडित को अपने हिसाब से मुहूर्त निकालने के मजबूर ना करें। दोस्तों पंचांग में दिए गए इन मुहूर्तों के अलावा और भी मुहूर्त हट के दिए गए हैं, गौण काल या आपातकाल या चातुर्मास काल या ग्रहों का अस्त काल, इनका भी आप चयन न करें क्योंकि यह मुहूर्त आम जनता के लिए नहीं होते हैं, इमरजेंसी लोगों के लिए होते हैं। जैसे कि किसी को विदेश जाना होता है या परलोक जाने वाले की इच्छा पूर्ति करनी होती है या किसी दूल्हा दुल्हन को जबरदस्ती से रिश्ते में बांधना होता है। दोस्तों दोस्तों इस इमरजेंसी मुहूर्त काल में संपन्न होने वाले धार्मिक विधि से हम कितना खुश हो पाएंगे कुछ कहा नहीं जाएगा। इन मुहूर्त में कुछ कमी की वजह से उल्टे हमारे दोष बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। दोस्तों पंचांग में दी गई कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों उत्तम दिन है। दिन विशेष दोस्तों महेश नवमी, भगवान शिव शंकर और पार्वती माता की या पूरे शरीर शिव परिवार की पूजा करने का, ये साल में एक ही बार मुहूर्त आता है जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष और नवमी तिथि। इस दिन माहेश्वर समाज का उत्पन्न महादेव से हुआ है हुआ था और उसी कारण ये माहेश्वर समाज अपना उत्सव मनाती है। न इसके लिए आप मेरा जो वीडियो स्वतंत्र है महेश नवमी के नाम से वो आप देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि उसमें पूरे डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों दशमी श्राद्ध कर्म है। दोस्तों आपके परिवार में अगर कोई पूर्वज हमें छोड़कर चले गए हैं तो उनके नाम से दशमी तिथि का श्राद्ध कर्म आपको करना होगा अपने घर में या किसी तीर्थ क्षेत्र में, और उसके लिए अपराह्न काल चुनना है आपको। और दूसरी बात जो है वो वेदांति पंडित आपको अगर मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर वो श्राद्ध कर्म में भोजन के साथ शेयर करते हैं तो और भी अच्छा हो जाएगा। दोस्तों तो इसी प्रकार दशमी का श्राद्ध कर्म आपको पिंडदान युक्त या बिना पिंडदान से भी आप कर सकते हैं ताकि आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिले और आपके जीवन में जो गतिरोधक है वो निकल जाए दोस्तों उनकी आशीर्वाद से। दोस्तों अग्निवास धरती पर सुबह 12 बजे तक है। अगर आपको नया कोई नया कर्मकांड करना है तो आप इस समय के पहले कर सकते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। राहु काल दोस्तों सुबह को 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। कृपा करके इस काल में भी आपको राहु से भय अगर लगता है ज्यादा तो आप कृपा करके
जो अलग जो समय, इसको इस समय को छोड़कर, 1.5 घंटे का ये समय है, इस 1.5 घंटे के समय को छोड़ के और कोई समय में आप अपने लिए जो महत्वपूर्ण काम है वो करें दोस्तों। दोस्तों संकल्पिक साथ की गई पूजा शत प्रतिशत और जल्द फलदायी होती है, क्योंकि हम ही होते हैं हमारे जीवन को बनाने और बिगड़ने वाले। अगर आप मेरे विचार से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपकी फैमिली और दोस्त परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स देना ना भूले दोस्तों। दोस्तों मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहें, आनंदित रहें और प्रसन्न रहें। हरि ओम शिव शंभो महादेव।